हेलो दोस्तों, बॉन्जोर इंडिया चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो लोग अप्रैल में जा रहे हैं उनके लिए, क्योंकि कैब रेट्स जो है दोस्तों और होटल रेट्स दोनों रिवाइज हो रहे हैं अप्रैल से पीक सीजन को देखते हुए। तो इनके बारे में बात करेंगे। फिर जो लेटेस्ट वीडियोस हैं कश्मीर के, गुलमर्ग, सोनमर्ग के, आज के सोनमर्ग के क्लिप आपको पता ही होगा, मैंने टेलीग्राम में सुबह ही अपडेट किया था कि सोनमर्ग में लाइट स्नोफॉल आज देखने को मिली है। वैसे तो ज़्यादातर रेनफॉल ही थी दोस्तों, बारिश ही थी, बट ग्लेशियर के आसपास जो है, मेन सोनमर्ग के आसपास जो है, लाइट स्नोफॉल भी देखने को मिली है। गुलमर्ग के लेटेस्ट क्लिप्स आपको दिखाऊंगा। आप में से बहुत लोगों ने अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन करें दोस्तों, क्योंकि कोई भी ज़रूरी अपडेट सबसे पहले टेलीग्राम पे ही आती है। अभी जो मंडे को नोटिफिकेशन आया था कि गंडोला क्लोज़ रहेगा, फेज़ वन तक का जो गंडोला है दोस्तों वो सर्विस क्लोज़ रहेगी, फेज़ टू तक चलेगा गंडोला। बहुत से हमारे सब्सक्राइबर्स थैंकफुल थे इस बात के लिए, क्योंकि उनका जो प्लान था उस दिन गुलमर्ग जाने का, उन्होंने उसे चेंज कर दिया, क्योंकि फेज़ वन ही तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वहीं पर सारे एक्टिविटीज़ होते हैं। तो इस तरह के अपडेट्स अगर आपको टाइमली चाहिए, रॉन्ग डिसीजन से बचना चाहते हैं, तो टेलीग्राम पे जरूर जुड़े दोस्तों। आप डायरेक्ट बॉन्जोर इंडिया सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम ऐप आपको इंस्टॉल करनी होगी, या फिर जो मैंने लिंक दिया है उसको टेलीग्राम से आप ओपन करना, डायरेक्ट ओपन करोगे ओपन नहीं होगी, टेलीग्राम ऐप के थ्रू ही ओपन होगी दोस्तों। बहुत लोगों के सवाल में है कि हमें कितनी स्नो मिलने वाली है गुलमर्ग सोनमर्ग में, तो ये देखिए आपके सामने ये आज की गुलमर्ग की वीडियो है दोस्तों। इस चैनल पे कभी आपको पुराने वीडियोस नए बताकर शेयर नहीं किए जाते, जिस डेट का बताया जा रहा है उसी डेट का वीडियो होता है, ना ही कभी फेक स्नोफॉल प्रेडिक्शन की जाती है। अभी तक जितने चाहे आप 6-7 मार्च की जो स्नोफॉल थी वो आपको 12-15 दिन पहले ही मैंने अपडेट किया था, उससे पहले की भी सारे स्नोफॉल एटलीस्ट 10 दिन पहले आपको अपडेट कर दिया था, बट अभी कोई अच्छे स्नोफॉल की चांसेस नहीं है दोस्तों। आज हल्की फुल्की स्नोफॉल हुई थी, वो भी सोनमर्ग में ग्लेशियर के आसपास, बाकी जगह रेनफॉल ही हुई है दोस्तों। ये अभी का ताज़ा नज़ारा है गुलमर्ग का, आप देख सकते हैं। अभी आगे आपको फेज़ वन की वीडियो भी दिखेगी दोस्तों, पहले सोनमर्ग के कुछ फोटोज़ और वीडियोज़ आएंगे, फिर फेज़ वन की वीडियो भी आपको दिखेगी। अभी कुछ दिनों से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था दोस्तों, जो आज बारिश हुई है वो बहुत ज़रूरी थी, उससे थोड़ा टेम्परेचर डाउन आया है और इससे बर्फ़ को टिकने में मदद मिलेगी। हालांकि जो बारिश आई है वो सोनमर्ग के तरफ ही आई है, बाकी जगह क्लाउड्स आए हैं, ओवरकास्ट वेदर है। ये जो फोटो ये सोनमर्ग की है, ये भी जो है रास्ते की पिक है दोस्तों, सोनमर्ग से जस्ट पहले, मेन सोनमर्ग से थोड़ा पहले, ये जो वहाँ रिवर आती है और ये इलाका जहाँ से आप पोनी राइड करोगे ग्लेशियर तक, उसका नज़ारा है दोस्तों। ये फ़ोटोज़ गगनगीर के हैं दोस्तों, यहाँ भी आप उतरकर फ़ोटोज़ ले सकते हैं। सोनमर्ग से पहले आता है अराउंड 13 किलोमीटर, ये भी सोनमर्ग मेन ग्लेशियर के आसपास की पिक है। अब आपको दिखाते हैं फेज़ वन गुलमर्ग का, ये देखो दोस्तों। जो बिगिनर्स है वो ये स्लोप है जहाँ पर ये स्कीइंग करते हैं बिगिनर्स। इस वक्त हमारे टूरिस्ट साहिबान भी हैं जो मुंबई से आए हैं, वो भी यहाँ पर स्कीइंग करते हैं और ये स्कीइंग मास्टर इनके साथ रहता है यहाँ पे, ये हमारा टूरिस्ट है। आराम से शाबाश। कितनी रश है अभी, क्यों ये पीक सीज़न है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, अभी इससे भी ज़्यादा रश आगे होने वाली है। अपने होटल से जल्दी चेकआउट करें दोस्तों, यहाँ पहुँचने के लिए 9:30 बजे तक अपने होटल छोड़ दे, ताकि आप यहाँ टाइमली पहुँच सके। अगर श्रीनगर से आप आ रहे हैं तो 9:30 तक छोड़ दे, ताकि 11 बजे तक आप गुलमर्ग पहुँच जाए दोस्तों। जो आपको यहाँ के नज़ारे दिखा रहे हैं, ये गुलाम साहब हैं यहाँ के एक्स प्रेसिडेंट गुलमर्ग टूरिस्ट एसोसिएशन के, जो हमारे ओल्ड व्यूअर्स हैं ये इनको जान रहे होंगे। अगर आपको गाइड सर्विस चाहिए तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, काफ़ी ऑनेस्ट इंसान है। यहाँ किसी भी तरह की आपको कोई दिक्कत होती है, कोई इमरजेंसी होती है, तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आपको इनका कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। और ये है आज की सोनमर्ग की जो रेनफॉल हुई है दोस्तों, ये आपके सामने वीडियो है। बहुत चैनल्स में आपको बड़े बड़े बैनर्स के साथ स्नोफॉल बताया जा रहा है, ऐसा कोई स्नोफॉल नहीं हुआ दोस्तों, लाइट स्नोफॉल हुई है, वो भी ग्लेशियर के पास, बाकी यहाँ पे रेनफॉल ही हुई है दोस्तों। जैसे जैसे अब स्प्रिंग सीजन आ गया है स्नोफॉल के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और ये जो आपको बर्फ़ दिख रही है, ये अप्रैल एंड तक आपको ऐसी बर्फ़ दिखेगी गुलमर्ग में फेज़ वन फेज़ टू, और यहाँ पे सोनमर्ग में फेज़ टू में जो बर्फ़ है दोस्तों वो जून तक दिखेगी, अगर टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो स्नो की जल्दी फेयरवेल हो जाएगी दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि जून तक आप स्नो देखें। मैंने आपको पहले ही अपडेट किया था कि अप्रैल जो है 95% सोल्ड आउट है दोस्तों, तो अगर आप अभी तक सोच रहे हो कि हमें कब आना चाहिए, तो आप अप्रैल एंड में आओ या फिर आप मई में आओ दोस्तों,
बेटर रहेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होने वाली है। और ट्राई करें कि जो लोकल रेप्यूटेड एजेंसीज़ है उनके थ्रू आप आएँ। अगर आप सेल्फ ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो आप उनके थ्रू आएँ। अगर आप जो बड़े एजेंसीज है दिल्ली मुंबई बेस्ड उनके साथ अगर आप आते हैं, बहुत लोगों को पता नहीं है कि ये सारे जो बड़े एजेंसीज है ये भी श्रीनगर बेस्ड एजेंसीज पे लोकल एजेंसीज पे दोस्तों डिपेंडेंट होते हैं। इस तरह आपका पैकेज का कॉस्ट बढ़ जाता है। ये देखो दोस्तों, ये आज की वीडियो है, सुबह की वीडियो है अराउंड 8 बजे की। मेन सोनमर्ग जैसे जैसे आ रहा, आप देखो कैसा नज़ारा हो रहा है। अभी आगे इससे भी खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। जैसे जैसे आप मेन सोनमर्ग की तरफ बढ़ते जाएंगे इस तरह का आपको व्यू अभी दिखेगा दोस्तों। पहले से स्नो कवर कम हो गई है नो डाउट, बट अभी भी आपको यहाँ पे इंजॉय करने लायक अच्छी स्नो कवर मिलेगी और उम्मीद है कि अप्रैल तक आपको ऐसी स्नो कवर मिलेगी दोस्तों। ग्लेशियर के आसपास अगर आप जाते हैं तो आप बहुत इंजॉय करेंगे। ये वीडियो ऑलमोस्ट मेन सोनमर्ग की है, बट ये जो वीडियो है ये थोड़ी पहले की है। यहाँ पर रिवर का व्यू बहुत अच्छा आ रहा था इसलिए मैंने अभी यहाँ पर इसको डाला है ताकि आप देख सकें। इस तरह का अभी यहाँ पे वाटर है दोस्तों और अप्रैल मई में वाटर लेवल अच्छा हो जाएगा, इससे काफ़ी अच्छा हो जाएगा। पहलगाम में दोस्तों अभी आपको स्नो नहीं मिलेगी, बस चंदनवारी में थोड़ी बहुत स्नो मिलेगी आपको, स्कैटर्ड स्नो पैचेस मिलेंगे। पहलगाम ऐसी जगह है जो समर्स में बहुत खूबसूरत हो जाती है, जो ग्रीन पहलगाम हम जानते हैं दोस्तों वो इस पहलगाम से काफ़ी खूबसूरत दिखती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अपडेटेड कैब रेट्स पे। कैब रेट्स जो हैं बढ़ गए हैं, ये आपके सामने जो रेट्स हैं सेडान एसयूवी ट्रैवलर, और ये जो रेट्स हैं फुल टूर के लिए हैं, अराइवल टू डिपार्चर, श्रीनगर टू श्रीनगर। अगर आप एक या दो दिन के लिए लेते हैं तो आपको ज़्यादा पड़ेगा। जो हायर एंड आपको दिख रहे हैं, रेंज दिख रहा है जैसे 2500 से 3000 सेडान का है, तो हायर एंड आपको लग सकता है, उससे ज़्यादा भी लग सकता है अगर आप एक दो दिन के लिए लेते हैं। अगर आप फुल टूर फॉर एग्जांपल 7 डेज़ के लिए लेते हैं तो 2500 में आपको छोटी गाड़ी सेडान मिल जाएगी दोस्तों। उसी तरह आप एसयूवी का देख लें, इनोवा जो है उसी तरह ट्रैवलर के भी दिए हुए हैं। ट्रैवलर में अराउंड 14 लोग बैठ जाते हैं। डिपेंड करेगा कैसी अवेलेबिलिटी है, आपके ट्रिप डेज कितने हैं। अगर 7 डेज़ के हैं तो आपको कम में मिल जाएगा, 2500 में मिल जाएगा, वरना आपको 2800 छोटी गाड़ी के लिए देनी पड़ सकती है। तो आप देख सकते हैं पहले आपको 2200 में छोटी गाड़ी अवेलेबल थी, एसयूवी आपको 2800 तक इनोवा मिल रही थी दोस्तों, बट अब से दोस्तों डिमांड सप्लाई का मिसमैच के वजह से रेट्स बढ़ गए हैं दोस्तों। अप्रैल ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है, हार्डली आपको बजट होटल्स मिलने वाले हैं। अभी मई के लिए प्लान करें, अगर आपको ऑनलाइन रेट से कम में होटल्स चाहिए, कैब्स चाहिए, ऑनेस्ट ड्राइवर्स चाहिए, तो ट्रैवल मैन कश्मीर रुफैत जी को आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। ये सारे डिटेल्स जो हमारी गाइड है कश्मीर ट्रैवल गाइड PDF, उसमें अपडेट कर दी जाएगी ताकि जो आने वाले टूरिस्ट हैं उनके लिए सब कुछ क्लियर हो जाए। जिन लोगों ने पहले गाइड ली थी और अभी तक उन्हें अपडेटेड गाइड नहीं मिली है तो वो रिमाइंड करें, व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया डिस्क्रिप्शन में, उसमें पिंग करें, आपको अपडेटेड गाइड मिल जाएगी। और अभी फिर से दूसरी अपडेट होने वाली है, ट्यूजडे तक वो अपडेट हो जाएगी गाइड में, तो आप डायरेक्ट ट्यूजडे को भी रिमाइंड करा सकते हैं दोस्तों, आपको अपडेटेड गाइड भेज दी जाएगी। और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं जिन्हें पता नहीं है गाइड के बारे में, वो डिस्क्रिप्शन चेक करें। इसे कंपाइल करने में काफ़ी मेहनत लगी है, इसमें सिर्फ मेरी ही मेहनत नहीं बल्कि मेरे जो कश्मीर जम्मू में जो मेरे रिलेटिव्स हैं दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके भी काफ़ी मेहनत है। इसीलिए इसके लिए एक नॉमिनल कॉस्ट रखा गया है, क्योंकि इसमें जो बातें हैं सारी बातें आपको पब्लिक में कोई नहीं बताएगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कश्मीर टूरिज़्म इंडस्ट्री के जो डिसऑनेस्ट लोग हैं उनको पसंद नहीं आएगी, इसलिए ये सारी बातें एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में वहाँ दी गई है। बाकी आप वीडियोस रेगुलर देखते रहिए, जो वीडियोस डिस्क्रिप्शन में दिए जाते हैं, कुछ और वीडियोस मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा उससे भी आप देखिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा और वहाँ आप स्कैम होने से बचेंगे दोस्तों। होटल्स और कैब्स ये तो एक पार्ट है आपके ट्रिप के, बाकी जो आप वहाँ एक्टिविटीज़ करेंगे उसमें इक्वली आपका एक्सपेंडिचर लगता है दोस्तों, तो उसके बारे में आपको काफ़ी अवेयरनेस होनी चाहिए, कहाँ पे आपको कितनी बार्गेनिंग करनी है, कहाँ पे आपको कितने दाम बोले जाएंगे सीज़न में, ये सारे बातें आपको पता होने चाहिए, वरना आप औरों से डबल वहाँ खर्चा करके आ सकते हैं दोस्तों। तो सारे जो गाइड वीडियोज़ हैं वो देखते रहिए, हमेशा याद रखिए कि आपका होस्ट और आपका ड्राइवर अगर ईमानदार है तो आपकी ट्रिप बहुत ही अच्छी होगी, यादगार होगी, वरना उसका उल्टा भी हो सकता है दोस्तों। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम जल्द ही नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।